दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में। आइए पहले हम बात कर लेते हैं आज की इंट्राडे की ट्रेड के बारे में और उसके बाद देखेंगे कल के लिए इंट्राडे के लिए किस स्टॉक को चुना है मैंने। दोस्तों आज हमें ट्रेड करना था डीएलएफ में, आपको इसे बाय करना था 329 पर और शॉर्ट सेल करने के लिए बोला था 332 पर। और ये स्टॉक में आज ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला और इस स्टॉक ने शॉर्ट सेल से अपने लगभग बस एक पॉइंट और डेढ़ पॉइंट का ही प्रॉफिट दे रहा था। तो अगर जिसने भी बुक किया होगा वरना इस स्टॉक में आज बहुत ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिला, ना ही ऊपर और ना ही नीचे। तो अगर वापस से कल यह स्टॉक अपने 344 के टारगेट को क्रॉस करे तो आप इसे फिर से बाय कर सकते हैं। अगर 344 को क्रॉस करता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट लेकर बाहर निकल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कल के लिए हमारा स्टॉक कौन सा है जिसमें हम ट्रेड करने वाले हैं अपनी इंट्राडे की। दोस्तों कल के लिए स्टॉक चुना है मैंने कॉनकोर को, आप इसे बाय करेंगे 748 पर। पहला टारगेट 751, दूसरा टारगेट 756, यही आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं 739 पर। और पहला टारगेट 736, दूसरा टारगेट 731। दोस्तों आप रूल्स को फॉलो करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, मिनिमम प्रॉफिट सबसे पहले बुक करिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है जीरोधा का, ये भारत का सबसे अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है, आप इसमें क्लिक करके अपना आसानी से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अगले दिन से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नए इंट्राडे के स्टॉक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।